देश में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा था, जिसका 2 अक्टूबर को अंतिम दिन रहा। वहीं निगम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्वच्छता पखवाड़े में सेंध लग रही थी और पूर्वी दिल्ली पूरी तरह से कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। इसी को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के तीसरा पुस्ता करतारनगर में महंत नवल किशोर दास रामायणी के साथ हनुमान चालीसा के कार्यकर्ता द्वारा गड्ढे वाली मस्जिद से लेकर मेन रोड करतारनगर तक इलाके को स्वयं महंत नवल किशोर दास ने स्वच्छ बनाया। इस मौके पर महंत नवल किशोर दास रामायणी ने तेज निगाह से बातचीत के दौरान स्वच्छता पखवाड़े के चलते इस कार्यक्रम को करने की बात कही। वहीं क्षेत्रवासियों से अपील भी की है कि अपने घरों के साथ साथ अपने आसपास स्वच्छता कायम करें। के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश में एक संदेश दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। शरीर ठीक रहेगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम सब ठीक रहेंगे। यदि हम ठीक हैं तो निर्माण कर सकते हैं, देश के लिए समाज के लिए कुछ प्रेरणा दे सकते हैं। आजकल हमारे दिल्ली के MCT की हड़ताल चल रही है। हनुमान मंदिर के सभी हनुमान चालीसा के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी सब मिलकर के पिछले करीब 5-6 दिन से हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। चौथा पुस्ता, 3.5 पुस्ता, आज तीसरा पुस्ता, कम से कम 15-20 ट्रॉली हम लोग कूड़ा डाल चुके हैं, आज भी सुबह से लगे हैं। और वो एक अभियान है कि कहीं कूड़ा ना होने दें। सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि अपने घर के आगे पास कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि कूड़ा होगा तो हम ही अस्वस्थ हो जाएंगे ना। तो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, ऐसा सबसे आग्रह है, क्योंकि पूरे देश में स्वच्छता का प्रतीक देश के प्रधानमंत्री ने चलाया है। हम उनकी प्रेरणा से ये कार्य आगे बढ़ा रहे हैं और हम प्रयास करते हैं कि सब लोगों को एक प्रेरणा मिले कि हम अपने घर के आसपास मोहल्ले में गली में स्वच्छता रखें, सबको स्वच्छता की प्रेरणा दें, ऐसा निवेदन। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि महंत नवल किशोर दास अपने हनुमान चालीसा के कार्यकर्ता और इलाके के लोगों के साथ मिलकर इलाके में स्वच्छता कायम कर रहे हैं। इसके लिए स्वयं कूड़ा गंदगी उठा रहे हैं, जिससे इलाके में महामारी जैसे रोग ना फैल सके। हम पिछले 3-4 दिनों से हमारे महाराज जी श्री नवल किशोर दास जी के नेतृत्व में सफाई अभियान चल रहा है। चूंकि पिछले, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, पिछले काफ़ी समय से MCD के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही, जिसके नतीजे से जगह जगह गली के हर नुक्कड़ पे, हर गली के अंदर, हर रोड पर कूड़े का भरमार, कूड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में महामारी, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, परेशानियाँ, स्वास्थ्य लोगों का खराब होने की संभावना है। महाराज जी के आदेश अनुसार हम ही सभी लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने, करतारनगर श्री हनुमान मंदिर करतारनगर के जितने भी सेवादार हैं उन्हीं सभी लोगों ने मिलकर आज तीसरे पुश्ते मार्केट एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं, जितने हमारे प्रधान जी हमारे बीच में हैं, हमारे भाई साहब मेंबर जितने भी हैं, सभी लोगों ने एक साथ जुट करके इस सफाई अभियान को हम लोग चला रहे हैं। गली नंबर 12 करतारनगर महंत नवरदास जी के आश्रम से हैं, उनके ही संदर्भ में ये एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान। क्योंकि हमने देखा इस कूड़े से जगह जगह बहुत प्रॉब्लम होने लगी, अनेक बीमारियां फैलने लगी, रोजगार का साधन भी लोगों का कम होने लग गया, फल सब्जी लोग खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि रोड पे इतना कूड़ा है लोगों ने निकलना बंद कर दिया। उसके बाद हमने प्रयास किया कि स्वच्छता अभियान कैसे शुरू कर जाए, फिर महाराज जी का आशीर्वाद मिला, महाराज जी खुद का सहयोग इतना ज़्यादा मिला कि जिससे क्षेत्रवासी, हम सब युवा को प्रेरणा मिली, और जितने भी हम हनुमान चालीसा जैसे क्षेत्र में चलाते हैं युवा वर्ग, सबने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जिस तरह से निगम कर्मचारियों की लंबी हड़ताल के कारण पूर्वी दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है, वहीं इस तरह के स्वच्छता अभियान इलाके में महामारी व अन्य रोगों से बचाने का काम कर रहे हैं। और एक बार फिर सिद्ध हो जाता है, स्वच्छता सबके लिए अत्यंत जरूरी है। संदीप कुमार के साथ प्रिंस, तेज निगाहें, दिल्ली।